नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का एपिसोड भी बहुत स्पेशल होने वाला है। आज आपको मिलेगा नॉलेज अबाउट सिलेंडर एंड स्फेरिकल पावर। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक्चुअली आंखों की समस्याएं क्या क्या होती है, ठीक है, और क्यों ये होती है। उसके बाद हम पावर पार्ट को कवर करेंगे, तो इस एपिसोड को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसे मैंने पहले भी एपिसोड में बहुत इन्फॉर्मेशन्स आपको दिया है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन्स अगर आपको रेगुलरली मेरे चैनल से लेने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जल्दी से जाते हैं अपने चैनल की तरफ और अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आँखों की जो समस्या होती है जब हमको चश्मा लगता है तो वो क्यों लगता है। वो इसीलिए लगता है दोस्तों क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट होकर हमारे रेटिना के सही स्पॉट पर नहीं पहुँच सकती। हम देखते कैसे, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए, आप कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हम रिफ्लेक्शन के माध्यम से ही देखते हैं, ठीक है। लाइट आती है हमारे आँखों पे, ठीक है, आँखों पे वो हमारे लेंसेज जो नेचुरल लेंसेज है उनसे बेंड होकर रेटिना के एक स्पॉट पे पड़ती है। उसके बाद ऑप्टिकल नर्व हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है और एक इमेज बनाता है उस चीज़ का और हम देख पाते हैं। तो अगर सपोज़ कीजिए वो जो लाइट आ रही है वो रेटिना पर नहीं पड़ के आगे या पीछे पड़ रही है तो हमको सही से नहीं दिखेगा। तो यही होती है आँखों की समस्या। अब मैं बताता हूँ, देखिए ये सपोज़ कीजिए ये एक आई है, ठीक है, यहाँ से लाइट आया और ये सपोज़ कीजिए रेटिना है तो इसको पढ़ना यहाँ चाहिए तो ही हमको सही से दिखेगा। यहाँ ना पढ़ के अगर वो सामने ही पड़ जाता है, ठीक है, तो हमको माइनस पावर्स का लेंस लगता है। माइनस पावर का लेंस या चश्मा पहन के लाइट को प्रॉपरली रिफ्रैक्ट करा के इसको यहाँ से खींच के यहाँ ले जाया जाता है रेटिना के जिस पॉइंट पे इसको पढ़ना है तो हमको सही दिखता है। ये माइनस पावर, प्लस पावर में ठीक है इसका ऑपोजिट होता है। लाइट रेटिना पर ना पड़ के इसके पीछे पड़ती है और एक लेंस के माध्यम से, एक लेंस लगाकर या एक चश्मा पहनकर क्या किया जाता है, इस पर्टिकुलर चीज़ को जो पीछे पड़ रहा है लाइट का फोकस उसको रेटिना पर लाया जाता है। यही है बेसिक जानकारी, ठीक है। तो अगर आपका ये पावर होता क्यों है, मतलब ये समस्या आती क्यों है, अगर आई का शेप नेचुरल से बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए तो ये प्लस या माइनस नंबर का खेल शुरू होता है, चश्मे का खेल शुरू होता है। तो देखिए कई बार आप ये पढ़ते हैं कि घरेलू नुस्खों से या ये करने से या ऐसा ड्रॉप डालने से बहुत सारे वीडियोज़ पे एक वीडियोज़ बनते हैं तो आपकी आपका चश्मा का पावर रिड्यूस हो जाएगा। देखिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत समय क्या होता है कि हमको 18 या 17 या 16 साल में पावर लगता है तो जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमारे आई मसल्स और आई के शेप भी बड़े या छोटे होने लगते हैं तो बहुत समय पावर रिड्यूस या बढ़ जाता है। तो बेसिक कहने का मतलब यही है कि आई का जो शेप होता है वो बड़ा या छोटा होने से ही ये माइनस या प्लस नंबर का हमको चश्मा लगता है ताकि जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो, मतलब लाइट जो बेंड होकर हमारे आँखों के रेटिना पे नहीं पड़ पा रही है उसको हम चश्मे के माध्यम से रेटिना पे एग्जैक्ट स्पॉट पे फोकस करवाएं। तो अब जल्दी से जानेंगे स्फेरिकल और सिलेंडर पावर क्या है और कितने प्रकार के पावर के लेंसेज होते हैं और एग्जैक्टली इनमें डिफरेंस क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस एपिसोड को कंटिन्यू करते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। पावर की जब हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए ये मेरे हाथ में एक प्रिस्क्रिप्शन है तो सबसे पहला पार्ट आपको दिखता है स्फेरिकल, स्पीयर, SPH, उसके बाद सिलेंडर, उसके बाद एक्सिस, ठीक है। तो स्फेरिकल पार्ट को अभी आप फोकस कीजिए, ये SPH जो लिखा हुआ है ये स्फेरिकल, ये पहला पार्ट इसको रख दीजिए, इसी को हम स्फेरिकल पावर कहते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल पावर क्या होता है दोस्तों, स्फेरिकल पावर एक ऐसा लेंस होता है, ठीक है, एक ऐसा पावर का लेंस होता है जिसके सारे एक्सिस में एक ही तरह के पावर होते हैं इसीलिए लेंस में कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देती। तो मैं एक माइनस पावर का स्फेरिकल लेंस लेता हूँ, ठीक है, उसको कैमरा के सामने मैं देखिए रोटेट करता हूँ तो आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही होगी। हाँ, मेरा फेस छोटा ज़रूर दिखाई दे रहा होगा या बड़ा ज़रूर दिखाई दे रहा होगा, ये इसलिए कि पावर का इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही होगी। तो इसलिए कि इसके सारे एक्सिस में, ठीक है, ये पूरा लेंस में एक ही पावर होता है। और अगर माइनस पावर है इसका मतलब क्या, जैसे मैंने बताया कि अगर लाइट आपकी आंखों पर आकर रिफ्रैक्ट होकर रेटिना पे ना पड़ के आगे पड़ रही है तो ये माइनस पावर की ज़रूरत पड़ती है। अब जिसका जितना हाई मायोपिक आई होता है उसको उतना ज़्यादा माइनस पावर, उतना ज़्यादा माइनस पावर का नंबर का चश्मा
लगता है। और मैं और एक चीज़ बता देना चाहूँगा, जितना हाई आपका माइनस का नंबर होगा, जैसे -3, -4, तो आप हाई इंडेक्स क्लासेस में जाइए जिसका इंडेक्स एटलीस्ट 1.61 से तो ऊपर ही होना चाहिए, 1.67 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर -3-4 के रेंज में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मोटा आपका ग्लासेस लगता है, अभी तक आप चश्मा पहनते हैं, तो ज़रूर से 1.67 या 1.74 इंडेक्स में आप जा सकते हैं। तो ये माइनस पावर की बात है। इसी तरह से एक और पावर है, स्फेरिकल प्लस पावर, ठीक है, ये भी स्फेरिकल प्लस पावर है। अब इसमें भी देखिए आपको कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही होगी क्योंकि सारे एक्सिस में एक ही पावर है, ठीक है, लेकिन चेहरे का शेप मेरा थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, इसलिए कि प्लस पावर है, ठीक है। अब इसका आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ता है, देखिए ये चीज़ भी मैं बता दे रहा हूँ, स्फेरिकल पावर को प्लस या माइनस नंबर को, माइनस में ना विथ मूवमेंट होता है, मतलब अगर आप लेंस के थ्रू पे लेंस को ऐसे रख के कोई भी ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करेंगे और ऊपर नीचे इसको करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी विथ जाएगा, मतलब ऊपर करने से ये भी ऊपर दिखेगा, नीचे करने से ऐसे ऐसे दिखेगा। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप देखिए, ठीक है, जैसे लंबी कोई रॉड रखी है या लंबा कोई पेन रखा है, तो पेन को ऐसे आप देख के ऐसे ऊपर कीजिए तो पेन भी आपको ऊपर जाता है वो दिखेगा पावर के साथ, और नीचे कीजिएगा तो पावर के साथ नीचे जाता है वो दिखेगा, यही है, ठीक है। माइनस पावर देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ तो चेहरा भी आपको ऊपर ही दिखाई दे रहा होगा, नीचे कर रहा हूँ तो नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये विथ मूवमेंट होता है, मतलब ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे, प्लस में एकदम अपोजिट होता है। देखिए अब प्लस पावर को देखिए, मैं ऊपर करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाते दिखाई देगा और नीचे करूँगा तो ऊपर जाते दिखाई देगा, ये देखिए देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर कर रहा हूँ तो नीचे, ये ऊपर किया नीचे जा रहा है, ये नीचे किया तो ऊपर जा रहा है, ये ऑपोजिट मूवमेंट होता है, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। तो प्लस पावर अगर चश्मा ऐसे लेके आप ऐसे 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 करके देखेंगे, अगर ऑपोजिट मूवमेंट हो रहा है इस तरह का तो इसका मतलब प्लस पावर है, और अगर विथ मूवमेंट होता है तो मतलब इसका माइनस पावर है। तो ये स्फेरिकल लेंसेज हैं, ठीक है। इसका करेक्शन क्यों होता है, इसका जब आपको दूर में देखने की समस्या होती है तो माइनस पावर यूज़ किया जाता है। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया आई शेप के हिसाब से, अगर आई शेप के हिसाब से आपको माइनस पावर की ज़रूरत है, आपके रेटिना पर फोकस ना होकर लाइट का फोकस आगे ही पड़ जा रहा है, तो माइनस पावर की ज़रूरत पड़ेगी। और प्लस में आपको प्लस की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आपका रेटिना पे फोकस ना करके लाइट का फोकस पीछे जा रहा है, जैसे मैंने इस डायग्राम में बताया, ठीक है, इस डायग्राम में फिर से दिखाता हूँ, इस डायग्राम में पीछे, ठीक है, तो पीछे से एक लेंस के माध्यम से खींच कर इसको रेटिना पर डालने के लिए ही हम इस्तेमाल करते हैं प्लस पावर। अब चलते हैं दूसरे पावर की तरफ जिसको हम कहते हैं सिलेंडर पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सिलेंडर पावर एक ऐसा पावर है इसके एक्सिस में, मतलब ये अगर लेंस है, देखिए लेंस ब्लॉक होता है इतना बड़ा, ठीक है, ये तो माइनस नंबर का, देखिए जैसे मैंने बताया विथ मूवमेंट, ऊपर कर रहा हूँ तो ऊपर दिख रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो नीचे दिख रहा है, जैसे मैंने आपको सिखा दिया आप तो समझ ही गए होंगे। लेकिन इसके हर एक एक्सिस में अलग अलग पावर होता है, इसीलिए मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए सिलेंडर लेंसेज, क्योंकि इसके हर एक एक्सिस में अलग अलग पावर है, तो जैसे ही मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आपको मेरा मुंह हिलता हुआ नजर आएगा, देखिए ये देखिए देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कैसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, क्योंकि हर एक एक्सिस में अलग अलग पावर है। तो ये सिलेंडर पावर की जरूरत कब पड़ती है, माइनस हो या प्लस हो, जब आपको एस्टिगमेटिज्म होता है। एस्टिगमेटिज्म मतलब दूर की चीज़ है कंपैरेटिवली धुंधला दिखना, ठीक है, मतलब शायद आपको दिखे वो चीज़, ए लिखा हुआ है तो ए दिखेगा लेकिन कंपैरेटिवली आपको थोड़ा ब्लरी दिखेगा, या डबल अक्षर हो सकता है, ऐसे ए लिखा हुआ है तो ये ए आपको शायद दिख रहा होगा लेकिन ऐसा ऐसा ब्लरी, अगर मैं इसको ब्लरी कर दूँ थोड़ा तो ऐसा ब्लरी दिखता है, या ए के ऊपर ए ऐसे डबल लेटर टाइप का आपको दिखाई देगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये वाला सिलेंडर पावर का यूज़ किया जाता है, तो माइनस में हो प्लस में हो वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आई शेप के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने पहले ही समझा दिया, अभी मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो एस्टिगमेटिज्म के लिए बेसिकली क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए, या अगर आपके आपके आँखों का शेप ऐसा है कि लाइट आपके रेटिना पर ना पड़ के मल्टीपल पोजिशन पर फोकस करती है। अभी प्लस और माइनस में एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे और पीछे का, उसी तरह एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है, देखिए ये सपोज कर कीजिए आपका आई है, ठीक है, ये सब कुछ कीजिए आपका आई है, तो यहाँ पे तो मैंने बताया था कि आगे अगर फोकस करे
तो इसको पीछे करने के लिए माइनस नंबर, और अगर पीछे लाइट का फोकस हो तो रेटिना में करने के लिए, मतलब इसको खींच के यहाँ पे लाने के लिए प्लस नंबर। अब एस्टिगमेटिज्म के केस में क्या होता है, लाइट का फोकस, ये जो लाइट आ रही है हमारे आंखों पे, ये मल्टीपल स्पॉट बना देती है, मतलब मल्टीपल जगह पे रेटिना के आसपास ये स्पॉट करने लगती है। तो एक पर्टिकुलर एक्सिस पे पावर को डाल के उसको रेटिना पे फोकस करवाया जाता है, मतलब मल्टीपल फोकस होने के कारण क्या होता है, हमको अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़ाव दिखाई देता है, ऐसे होगा तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़ाव या क्लैरिटी नहीं मिलती। तो उसी क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए पावर में, ताकि हमको साफ दिखे, धुंधला ना दिखे, हम सिलेंडर पावर का यूज करते हैं, या मतलब डॉक्टर सिलेंडर पावर का यूज करते हैं। आई एम एन ऑप्टिशियन नॉट एन डॉक्टर, तो ये तो नॉलेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है और मैं प्रोफेशनली एक ऑप्टिशियन हूँ, तो मैं सारे दिन सारे केसेस को देखता रहता हूँ, डील करता रहता हूँ। तो इस हिसाब से इजीली मैंने आपको लेमन के लैंग्वेज में समझा दिया। तो सिलेंडर लेंसेज के लिए भी वही, अगर आपका -4 या -5 के ऊपर का पावर है तो गो फॉर हाई इंडेक्स लेंसेज, प्रोबेबली 1.61 के ऊपर ही जाइए, तभी हाई इंडेक्स का इफेक्ट आपको पता चलेगा, लेंस भी थोड़ा स्लीकर मिलेगा। और ज़्यादा हाई इंडेक्स पावर में आजकल एस्पेरिक लेंसेज ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। एस्पेरिक लेंसेज ऐसा लेंसेज होता है कि मतलब पूरा एंटायर लेंस के सर्कल में पावर को बहुत ही प्रिसिशन के साथ बनाया जाता है, ताकि कोई मूवमेंट ना हो या अलग अलग टाइप का आपको पावर ना मिले लेंस के अलग अलग सेंटर्स में। तो यही आज का एपिसोड, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आएगा। पावर के बारे में आप समझ गए होंगे, क्या है स्फेरिकल, क्या है सिलेंडर, आई के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। मायोपिया, जैसे मैंने बताया कि दूर में देखने की दिक्कत, ठीक है, अगर आपको होती है तो आपको एक लेंस दिया जाता है माइनस लेंसेस, ठीक है, और अगर नज़दीक में देखने की दिक्कत होती है तो प्लस लेंसेस दिया जाता है, ठीक है। उसमें भी बहुत सारा पार्ट मैंने बताया कि आई का बड़ा छोटा होना और कब प्लस और माइनस पावर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोगों के ये क्वेश्चन थे, सर दूर में देखने की दिक्कत के लिए आपने कहा था कि माइनस पावर की ही ज़रूरत होती है, तो कभी कभी प्लस लेंसेज का यूज़ किया जाता है जी, वो आई शेप के लिए, ठीक है। अगर आई शेप को देख कर आप डॉक्टर्स को ऐसा लगता है आपका आई एग्जामिनेशन करने के बाद कि आई शेप में रेटिना का लाइट का जो फोकस हो रहा है वो रेटिना के पीछे हो रहा है, उसको खींच के हमको आगे लेना है, तो प्लस लेंस वो यूज़ कर सकते हैं। और एस्टिगमेटिज्म के लिए क्लैरिटी बढ़ाने के लिए वो माइनस स्पीयर पार्ट के साथ, ठीक है, ये स्फेरिकल पार्ट के साथ वो सिलेंडर पार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कभी कभी आप देखिएगा प्रिस्क्रिप्शन में स्फेरिकल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ सिलेंडर पार्ट है। तो आपको जो दिक्कत है मेन वो है क्लैरिटी बढ़ाने की, अक्षर आप दूर में देख तो पाते हैं लेकिन थोड़ा दिक्कत आपको होता है, थोड़ा धुंधला आपको दिखता है, ठीक है, अक्षर के ऊपर अक्षर दिखता है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आज के एपिसोड में बताई। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अमेजोन शॉप मैंने बनाया जिसमें आई ग्लासेस के वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस मैंने कलेक्शन और लिस्ट करके रखा है, तो आप मेरे अमेजोन शॉप पे जाके भी अगर आपको आई ग्लासेस लेने तो आप शॉप कर सकते हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स लेंस क्लीनिंग का सारा आपको वहीं से मिल जाएगा। तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपने आँखों का रखिए बेहतर ख्याल, सी यार।